नाम सुरभि गंगवार और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथमेटिक्स। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिनिक्स एजुकेटर्स, दो फिनिक्स एजुकेटर्स जिनको आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो आप सबको पता है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक फिनिक्स प्रोग्राम चला था जिसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, 100 बेस्ट एजुकेटर्स हम लोग लेके आए थे आप लोगों के लिए। सो उनमें से हमारी निधि मैम और सौम्या मैम एक हैं जो अपने अपने डिफरेंट चैनल पे, अपने अपने अलग अलग उनके चैनल्स हैं उन पे आपको पढ़ाएंगी। सो एक बार मैं निधि मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, माइसेल्फ निधि जोशी। और बच्चा मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका सबसे बोरिंग वाला सब्जेक्ट, जी हाँ आप समझ ही गए होंगे, दैट इज योर SST सोशल साइंस। बच्चा जब भी मैं बच्चों को पूछती हूँ दे ऑलवेज से मैम SST इट्स स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम। तो बच्चा इसी चीज को बदलना है और मैं आपके लिए लेके आऊंगी SST का मतलब स्टूडेंट सक्सेस टाइम। बच्चा मैं आपको SST के लिए ऐसा मंत्र दूंगी, ऐसा सक्सेस मंत्र दूंगी कि जिससे आपके जो एग्जामिनर है वो देख के अपने मार्क्स काट ही नहीं पाएंगे बच्चे आप लोगों के, और आप लोग उसके अंदर 100 out of 100 लेके आओगे। That's great ma'am, निधि ma'am, आपसे मुझे आज एक नई बात पता चली है कि SST को स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम बोलते हैं, मुझे बात नहीं पता थी। थैंक यू सो मच मैम। और अभी रिसेंटली मेरे सेशंस में बहुत सारे बच्चे आके मुझे पूछते हैं कि मैम SST को कैसे पढ़े। अभी मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं उनको SST के लिए कैसे गाइड करूं। सो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी SST के अमेजिंग एजुकेटर्स अवेलेबल है और हमारी निधि मैम अब आप लोगों के साथ आ चुकी हैं। सो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सौम्या राय मैम। सो सौम्या मैम प्लीज आप अपने आप को बच्चों के लिए साथ इंट्रोड्यूस करेंगे मैम प्लीज। थैंक यू मैम। हे एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सौम्या राय, वेलकम टू द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। I'll be teaching you science and social science on my platform that is Phoenix Success Plan. बच्चा आप जानते हो कि CBSE ने सैम्पल पेपर और मार्किंग सीम्स निकाल दी है, और इस टाइम सबसे बड़ा फोबिया अगर कुछ है तो वो साइंस और सोशल साइंस। तो उस फोबिया को दूर करते हुए और एग्जाम्स में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्कोर करने के लिए आप Phoenix Success Plan को सब्सक्राइब करो। Yes guys, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में दोनों मैम्स के सेशंस के लिंक प्रोवाइडेड हैं। तो जाके सबसे पहले मैम का चैनल और दोनों मैम का चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि वहीं पे आपको अमेजिंग गाइडेंस मिलेगी फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम्स। अभी हमारी दोनों मैम से अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। सो सबसे पहले मैं निधि मैम से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैम अभी तक आपका अनअकैडमी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक आपको कैसा लगा अनअकैडमी को ज्वाइन करके? यस मैम, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं इसे, तो बच्चों आप ही जैसे क्यूटी पाई बच्चों को मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है, और जब मुझे ये पता चला कि अनअकैडमी भी मुझे एक मौका देगी, तो लिमिटेड बच्चों को मैं पढ़ाती थी, लिमिटेड बच्चों के ऊपर मेरा फोकस होता था, जिन्हें मैंने बताया कि बच्चों हिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो वो मुझे अब मौका मिलेगा बहुत सारे लाखों बच्चों तक पहुँचने का। तो अगर मेरा अनअकैडमी के अगर साथ रिश्ता अगर मेरा जुड़ा है तो उससे अच्छा रिश्ता आज तक मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। That's great ma'am. Thank you so much for the kind words. And now Soumya ma'am, please आप बताइए कि आपको अभी तक अनअकैडमी के साथ कैसा लग रहा है? मैम अनअकैडमी के साथ जो भी मेरा रिलेशन है वो बहुत सॉलिड है। मैम जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो आई वॉज एन ऑफलाइन टीचर, तो उस टाइम पे मेरा मेरे बच्चों से जो मेरे लर्नर्स थे उनसे मेरा कनेक्शन टूट गया, और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कैसे उनसे कनेक्ट करूं। अनअकैडमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे मैं उनसे भी कनेक्ट कर लूंगी, और जो मेरा एरिया लिमिटेड था कि मेरे पास 100 and 150 स्टूडेंट्स थे, उनसे एक लार्ज क्राउड मेरे पास आएगा जिनको मैं साइंस और सोशल साइंस का फोबिया दूर कर पाऊंगी। तो अनअकैडमी के साथ जो भी मेरी जर्नी है बहुत स्प्लेंडेड है। ओके दैट्स ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात बोली है मैम आपने, क्योंकि जब भी लॉकडाउन की सिचुएशन आई थी तो बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स और वो सब कुछ बंद हो गए थे, बट नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इतने बेस्ट एजुकेटर्स बच्चों को मिल रहे हैं, इतना ज्यादा बच्चे अनअकैडमी से कनेक्ट हो रहे हैं, सो उससे अमेजिंग चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है। सो निधि मैम मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि अभी जब आपने मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्या आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज किया है, क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में? यस मैम, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं स्कूल में थी, तब से ही
हिस्ट्री को लेके मैंने देखा है कि लोग जल्दी से उसके साथ मैच नहीं हो पाते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं होता हिस्ट्री, उनका हमेशा एक ही जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है लेंथी आंसर कौन पढ़ेगा, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो GDP MSP ये सब समझ ही नहीं आता है उन लोगों को। तो तब से मेरे को ये हो गया था कि अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट मेरे सर या मैडम से मुझे समझ में आ रहे हैं तो मेरे थ्रू भी तो किसी और को समझ आ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि जो बच्चे ये लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, जिसे मैं बिल्कुल आपके लिए हलवा करने वाली हूँ, तो मुझे लगता है उससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि मुझे एक मौका मिला है पढ़ाने का, और वो भी आप लोगों को, जिन लोगों को बोर्ड के एग्जाम क्रैक करना है, नाइन्थ के एग्जाम क्रैक करना है, वो भी इतने क्रूशियल टाइम के ऊपर। तो हर एक की अलग अलग अपनी स्ट्रेटेजी होती है, और मुझे अगर अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने का अगर मौका मिले रियली एन इंस्पिरेशन फॉर। ओके, सो सौम्या मैम, आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज किया है? यस मैम, बिल्कुल मैम, जब मैं स्कूल टाइम से मेरे या फिर मेरे कॉलेज टाइम से तो ऐसे जो बोरिंग लेक्चर्स होते थे, चाहे हिस्ट्री के हो या फिर ज्योग्राफी के हो, तो मेरे फ्रेंड्स क्या करते थे, उन्हें मेरे समझाने पे ज्यादा भरोसा होता था। okay. वो क्लास अगर मिस करते थे तो उन्हें ये भरोसा होता था कि हाँ मैं उन्हें बहुत आसानी से वो समझा सकती हूँ। तो उस टाइम से ही मेरे अंदर ये था कि मैं की नोट्स जोड़ती थी। अच्छा। मैं पूरे लेक्चर की समरी इतनी अच्छे से करती थी कि अगर बच्चा क्लास ना भी अटेंड किया हो तो उसे ये लगता था कि हाँ मैंने पूरी क्लास अटेंड कर लिया है। तो उसी टाइम से मेरे अंदर ये था कि हाँ मैंने जो सीखा है मैं वो बहुत अच्छे से इम्पार्ट कर सकती हूँ। इस वजह से मतलब बहुत अच्छा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी अभी तक रहा है। ओके ओके, सो अच्छा मुझे एक चीज और पता चली है कि आप दोनों ही बीटेक, एंड आई थिंक निधि मैम इज एमटेक, निधि मैम एमटेक में है, एमटेक कर रही है, एंड सौम्या मैम इज ऑल्सो बीटेक, है ना? और फिर भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे जनरली बच्चों को डर लगता है, है ना? लाइक SST साइंस, बच्चे बहुत डरते हैं, और SST से तो बहुत ही ज्यादा, है ना? सो ये एक बहुत ही अमेजिंग और एक इंस्पिरेशन वाली चीज है कि मतलब बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आप लोग SST पढ़ाएंगे बच्चों को और उन लोगों को गाइड कर पाएंगे कि कैसे SST को पढ़ना है उनको पूरा का पूरा, क्योंकि अभी बोर्ड्स एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो मैम क्या आप लोग अपने चैनल पे NCERT भी कवर करेंगे? यस मैम, बिल्कुल। और जो लोग मेरे से पढ़ने वाले हैं okay. उनसे मैं बस यही कहूंगी कि बच्चा आपको आपकी SST के लिए सिर्फ 1 घंटा मुझे देना है, आप कमाल कर जाओगे SST के अंदर। और जो भी बच्चा ये कहता है ना कि मैम हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चा आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं, आप हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा हुए। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप ही के क्लास के मेट्स होंगे, आप ही के फैमिली मेंबर्स होंगे, तो आपको ये कहेंगे कि बच्चा ये तो SST में बिल्कुल भी डफर था, लेकिन आप देखो इसके 90+ मार्क्स आ रहे हैं। तो मैम वो जो बात है वो चीज सिखानी होती है, और उसे एक एजुकेटर ही बहुत अच्छे से सिखा सकता है। okay, तो okay. मेरा हमेशा यही कहना होता है कि आप सोशल साइंस के अंदर मुझे बस आप 1 घंटा दो 24 आवर्स में से, और 20 आवर्स में से आप इंग्लिश ग्रामर करिए, आप मैथ के क्वेश्चन लगाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर 1 घंटा आप मुझे दे रहे हो तो आपके 90+ मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं SST के। ओके okay, चलो बहुत अच्छी बात है। सो मैम एक और क्वेश्चन, सबसे पहले सौम्या मैम आपसे अब हम पूछते हैं कि आप, चलो माना आपको टीचिंग, आप लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जिसकी वजह से आप लोगों ने टीचिंग प्रोफेशन चूज किया, बट उसके बाद आपने अनअकैडमी का फिनिक्स प्रोग्राम ही क्यों चूज किया, इसका भी कुछ रीजन है मैम? सौम्या मैम पहले आप बताइए। यस मैम, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट होने पे मुझे बहुत डायर नीड थी कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ू जिसके पास लर्नर्स बहुत ज्यादा हो, जिसके okay. पास लर्नर्स की को कनेक्ट करने का अप्रोच बहुत ज्यादा। तो अनअकैडमी का फिनिक्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जो मेरी कमियों को भी दूर करा। मैम नो वन इज परफेक्ट, एग्जैक्टली। अनअकैडमी के फिनिक्स प्रोग्राम में मुझे ऐसे एजुकेटर्स मिले जिन देख के मुझे लगा कि हाँ मेरे अंदर जो कमियां हैं वो मैं यहाँ पे दूर कर सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें तो जब YouTube पे हम स्ट्रीम करते हैं तो हम उसका ध्यान नहीं देते हाँ। लेकिन अनअकैडमी पे पेशेंस कैसे रखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ हमने फीनिक्स प्रोग्राम के थ्रू जाना है। It's तो इसलिए मैंने फीनिक्स प्रोग्राम ज्वाइन। निधि मैम आप प्लीज बताएंगे। मैम जब हम अनअकैडमी से जुड़े, हम फीनिक्स प्रोग्राम से जुड़े, तो हमें पता चला कि यहाँ तो सिर्फ एक ऑनलाइन नहीं है कि आपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, आप आ गए और आपने बच्चों को कोई डाउट सॉल्व नहीं होता, कोई मोटिव लेकिन जब आप लाइव लेक्चर्स ले रहे हो, रोज आप लोग तो बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो आप बच्चों के प्रॉब्लम्स को जान सकते हो कि हाँ आज उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है, आज उन्हें थोड़ा फन और कॉमेडी की भी जरूरत है, तो ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो।
अलावा दूसरी चीज है कि फिजिक्स एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से तैयार करने हैं, किस तरीके से मैराथन्स लेनी है, और जो मैम रिविजन स्ट्रेटेजी होती है वो टीचर्स होते हैं आपके स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, तो आपको कह देते हैं आप एक जगह बैठ जाइए घर में जाके और आराम से बैठ के रिवाइज करें। लेकिन मैम सोशल साइंस के साथ रिवाइज करना पॉसिबल है कि अच्छा बच्चा बैठ के रिवाइज करे, इसलिए मैराथन क्लासेस होने, और जब आप मैराथन लेते हो फिर देखो बच्चे की एकदम फुल ऑन एटीट्यूड बच्चा होता है कि अब तो कोई भी मेरे पेपर आएगा मैं निकाल आसानी से कर लूंगा। और मैम जहाँ तक फिजिक्स की बात है तो हम इतने ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही, ताकि बच्चों को जब एग्जाम में जाए तो ये लगना ही नहीं चाहिए मेरे लिए नया है। उस पैटर्न के लिए ही मैंने फिनिक्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया और वहां से ट्रेनिंग। ओके दैट्स ग्रेट। सो सौम्या मैम आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी एक क्वालिटी, कोई भी ऐसी क्वालिटी, एक ग्रेट एजुकेटर की क्वालिटीज क्या क्या हो? मैम एक ग्रेट एजुकेटर के लिए सबसे पहले क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव इन द सेंस कि उसे बच्चे के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि बच्चे को कौन सा मेथड समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं मैम, मैंने जब कोर्सेज कंडक्ट कराए थे ऑफलाइन में तो उसमें क्या था कि जब हम एडवांस बैच लेकर आते थे तो उसमें बच्चे ऐसे भी होते थे जिनको बेसिक्स इनके क्लियर नहीं होते थे, या फिर उसमें ऐसे भी बच्चे होते थे जिनके बेसिक बहुत बहुत अच्छे क्लियर। तो मैम हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि बेसिक जिस बच्चे को नहीं आ रहा उसके बेसिक पे भी वर्कआउट किया जाए, वो सेशन ऐसा ना हो कि बच्चे उसके बाद से बोर होकर उनका इंटरेस्ट खत्म। तो बेसिकली मेजर पॉइंट यही रहता है कि बच्चों की बेसिक साथ साथ फिर वो आगे बढ़े उस फील्ड में, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर नहीं, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे, अगर उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग तो अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं सौम्या मैम, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। बहुत सेकंड पॉइंट मैम मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक टीचर को मैम हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे रोल मॉडल मानते हैं। अगर मैं किसी चीज को फॉलो कर रही, अगर मैं अपने आप को डिसिप्लिन रख रही, बच्चा भी मुझे देख के आगे वही चीज फॉलो करेगा। तो डिसिप्लिन क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है एजुकेटर को लॉन्ग टाइम तक। बिल्कुल। सो अकॉर्डिंग टू यू निधि मैम कोई ऐसी क्वालिटी आप बताना चाहेंगी? यस मैम, या मैम श्योर श्योर, थैंक यू फॉर मुझे बताने के लिए, बिकॉज आई वॉज रियली ईगर टू टेल माई स्टूडेंट्स कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एजुकेटर के अंदर। मैम सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए नॉलेज। अगर आपको आपके सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है तो आप दाम दर ठोक के बोल सकते हो कि देखो बच्चा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर बनने ही वाला है क्वेश्चन। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ या जो भी मुझे आज यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो बच्चा जो मैप एक्टिविटी है आपका 5 to 6 marks का मैप एक्टिविटी, मैप की जो एक्टिविटी होती है वो क्वेश्चन आता है, तो बच्चा 6 marks तो आप आज पक्के कर लो। आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर के अंदर 1 घंटे के लिए आए हो मैप के दिन, बच्चा आपके 6 marks पक्के हो गए। तो अगर ऐसी श्योरिटी अगर बच्चों को अपने टीचर से मिलती है, जब उन्हें पता चलता है कि हमारे एमसीक्यू के अंदर 20 में से 18 तो मैम ने कह दिया पक्के हैं, तो वो आने ही आने हैं क्योंकि मैम इतनी प्रैक्टिस हमको करवा के ही छोड़ेगी। तो जब ऐसी चीजें होती है, जब मैम अपने खुद की पर्सनल गारंटी देती है बच्चों को कि बच्चा आप कर जाओगे, उनको हिम्मत बंधाती है, तभी मुझे लगता है कि एक टीचर अपने आप में एक सफल हुआ है, एक सक्सेस हुआ है, और तभी सामने उन्हें जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो भी बहुत अच्छे मिलते। चलो बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। सो एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि अकॉर्डिंग टू आप लोगों के अकॉर्डिंग अभी एजुकेशन की फील्ड में एक नया कोई इनोवेशन होगा तो वो क्या होगा? सो सौम्या मैम पहले आप बताइए प्लीज। यस मैम, इनोवेशन सबसे बड़ा ये होगा मैम कि अभी अगर देखा जाए तो बच्चों ने एक भी दिन क्लासेस नहीं अटेंड की है, और ऑनलाइन कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा सागर है, कंटेंट का बहुत बड़ा सागर है जिसमें बच्चे तैर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई किनारा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सच। तो मैम ये बहुत जरूरी है, इस लाइन में बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक गागर, एक गगरी प्रोवाइड की जाए जिसमें वो कंसाइज वे में पढ़ सके। सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन यही होगा कि इस सागर में से ऐसे कंटेंट बाहर लेकर आना जो बच्चों के लिए कंटेंट स्पेसिफिक भी हो, और उन्हें ये ना ढूंढना पड़े कि हाँ इतने सारे कंटेंट में मैं पढ़ूं क्या, क्योंकि एट दी एंड जब एग्जाम आता है तो सबसे बड़ा हेडेक यही होता है कि कौन से चैनल को फॉलो करूँ, कहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ।
अनअकैडमी के ये जो 9th-10th के चैनल है, 11th-12th के चैनल है, इतने सारे चैनल्स हैं, अभी बच्चे अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इसी में तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस एजुकेटर का समझ आए आप उनके सेशंस को ज्वाइन करिए, है ना। सो निधि मैम, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा नेक्स्ट इनोवेशन? मैम नेक्स्ट इनोवेशन की बात करूं, वो चीज मुझे मैम अपने यूट्यूब के चैनल के नेम में दिखती है, और वो है कंपेनियन। मुझे लगता है कि आप जब आप स्कूल में होते हो या कहीं पे भी होते हो, तब भी आपको एक ऐसा दोस्त नहीं मिलता है कि जो आपकी एग्जाम फियर को समझ सके, जो आपको जो चीजें नहीं आती है वो समझ सके। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, जो क्लास में डाउट पूछने से डरते हैं, बता नहीं सकते कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यही अगर जब वो लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं, जब इसके ऊपर आते हैं, तो सिर्फ उन्हें टाइप करना रहता है कि हाँ मैंने टाइप कर दिया, मेरा मैसेज चला गया, मैडम इसका रिप्लाई दे देंगे। तो मैम जब ऐसी जब रिवॉल्यूशन चीजें आती है, अभी इसके साथ और भी चीजें आनी बाकी है, जैसे कि आपके माँ और बाप से कनेक्ट होती है इसके अंदर, आपके जब पेरेंट्स इस चीज से कनेक्ट होते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि उनका जो बेटा या बेटी है वो सिर्फ कॉमेडी वीडियोज देखने के लिए या उनके लिए नहीं है, वो लर्न के लिए है। हम जब 3D इमेजेस बताते हैं, जब उन्हें 3D विजुअल्स बताते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ लर्निंग रियल में इसे कहा जाता है, तो हम मेनली स्कूल में और वहाँ पे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी के कारण। तो टेक्नोलॉजी वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर ही रही है एजुकेशन के अंदर, और इसके ही एडवांस में जो ऑगमेंटेड रियलिटी है और भी कई चीजें आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको एक ऐसा कंपेनियन, एक ऐसा फ्रेंड यूट्यूब के ऊपर मिलता है, मुझे लगता है और टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा क्या करके देगी आप लोगों को। बिल्कुल सही बात बोली मैम आपने। इसमें निधि मैम में ही ऐड करना चाहूंगी एक चीज कि मैम जब हम स्कूल्स में होते हैं तो क्या होता है, जब हम नए नए क्लासेस में जाते हैं, न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं, तो हम बहुत माइंड मेकअप किए रहते हैं कि हाँ अब कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है, हर एक डाउट टीचर से क्लियर करेंगे और वहीं पे सब कुछ सॉर्ट करेंगे। लेकिन एंड में उसका क्या है, हम डरते हैं कि हाँ टीचर्स के पास जाएंगे, क्या पता ये बहुत सिली डाउट हो, टीचर ये सोचे कह रहे इसे ये भी नहीं आता है, और पलट के उन्होंने हमसे कुछ पूछ लिया और हमें नहीं आता हुआ तो और प्रॉब्लम हो जानी है। तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो फिर पाइल्ड अप होती जाती है, और एट द एंड क्या होता है, उस चैप्टर से इंटरेस्ट ही हमारा खत्म हो जाता है। सही बोल रहे हो। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन ऑनलाइन में आपके पास अगर एक छोटी सी भी डाउट है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, रेगुलर डाउट क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं, और वहां पे आपके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, यू कैन एक्सप्लोर द फ्री कंटेंट आल्सो। वहां पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, हर एक एजुकेटर वहां पे क्लासेस लेते हैं, जो कि फ्री कंटेंट आप अनलॉक कर सकते हो, है ना। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि आपको सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा, आप फ्री क्लासेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बस एक पढ़ने की चाह होनी चाहिए। So, निधि मैम आप मुझे बताइए कोई एक ऐसी क्वालिटी आपकी जो बाकी के लोगों से अलग है। यस मैम, मैं जब पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को तो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ आपको फन भी मिलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप बिल्कुल रट्टा मार रहे हो, बुक्स उठा रहे हो, राजा रानियों के बारे में पढ़ रहे हो हिस्ट्री के अंदर, नहीं, लुईस अंकल कौन थे, उसके साथ उनका खरगोश कौन था, ये सारी चीजें, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर बहुत प्रॉब्लम होता है कि पहले चंपारण बिहार में क्या हुआ, खेड़ा में क्या हुआ, तो उसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप केस से याद रख सकते हो कि इसके बाद ये हुआ, तो सीक्वेंस याद करना बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन उन्हें ये सीक्वेंस जब पता होगा तभी वो अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम। बिल्कुल। तो फिर अगर मेरी अगर कोई बात कहूंगी तो मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बना के उन्हें प्रोवाइड करती हूँ, और साथ में मोटिवेशन वो बहुत नेसेसरी है। हमें रोज हर दूसरे या तीसरे दिन हमें डीमोटिवेटेड फील होता है क्योंकि एक ही एक सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि आई कैन प्रोवाइड इनफ मोटिवेशन टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 4 years। ओके दैट्स ग्रेट। सो सौम्या मैम आप प्लीज बताएंगे कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको बाकी लोगों से अलग करती हो। यस मैम, मेरी एक बहुत अच्छी क्वालिटी कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत स्टबर्न हूँ, इन द सेंस कि अगर मुझे पता है कि किसी बच्चे को एक चीज नहीं समझ में आ रही है तो मैं तब तक उस चीज को नहीं छोड़ती हूँ जब तक वो ये ना कह दे कि हाँ मैम इससे आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछो मैं जरूर कर लूंगा। तो वो चीज मैं अपने अंदर हमेशा मेंटेन करती हूँ कि पेशेंस नहीं खोना है, बच्चे को एक बार में ना समझ में आए, दो बार में ना, जब तक वो ये ना कह दे कि हाँ मैम मुझे सब समझ में आ गया, तब तक कंटिन्यू करो उस चीज।
ये मेरे अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है मैम। सो चलो बाय द एंड ऑफ दिस इसी से हम ये सेशन एंड करते हैं। एंड मैम बहुत ही अमेजिंग इंट्रोडक्शन सेशन था आप लोगों के साथ, आई एंजॉयड अ लॉट, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत मजा आया। गाइज जल्दी से दोनों मैम के चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के लिंक्स सेशन के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और बेल आइकन भी प्रेस करो। मैम बहुत जल्दी ही अपने अपने चैनल्स पे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैम बाय दिस चलिए खत्म करते हैं सेशन को। एवरीवन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।